वहीं मुजफ्फरनगर में किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर पुलिस में अनजान नंबर से कॉल पर धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। राकेश टिकैत का कहना है कि उन्होंने कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज पहले भी कराई है, लेकिन आज तक पुलिस ने ना ही तो उस अनजान नंबर को ट्रेस किया है और ना ही फोन पर धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। राकेश टिकैत का आरोप है कि कहीं ना कहीं फोन पर धमकी देने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो कृषि कानून आंदोलन के बाद से लगातार उनको धमकी दे रहे हैं। अलग अलग नंबरों से फोन आते हैं, न्यूसेंस कर रहे हैं, बदतमीजी करते हैं फोन पे, और ये नहीं कि हमारे साथ में, परिवार के और सदस्य भी हैं उनके साथ में भी करते हैं, और ये सिलसिला पिछले 1.5 साल से चल रहा। हमने कोई नंबर सार्वजनिक नहीं करा, हम पुलिस फोर्स को ये नंबर देते हैं, भाई ये नंबर हैं, ये न्यूसेंस करते हैं, मारने की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं पूरे परिवार के साथ में, और कई नंबर पे ये काम करते हैं। आज भी आया है, तो आज भी हमने पुलिस को यहाँ पे थाने में दी है। अभी एक मामला संज्ञान में आया है, किसान नेता राकेश टिकैत जी के मोबाइल पे किसी व्यक्ति के द्वारा कॉल करके गाली गलौज और उनको धमकी दी गई है। ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया है, और इसमें तहरीर जो उनसे प्राप्त हुई है, प्रज्वल त्यागी हैं, उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। थाना सिविल लाइन में अभी पंजीकृत किया जा रहा है, शीघ्र अतिशीघ्र इसमें जो भी संभावित कार्रवाई है उसमें का। सीएम योगी ने गोरखपुर से वाराणसी के लिए नई उड़ान की शुरुआत भी कर दी है। आज वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम ने इसकी शुरुआत की। गोरखपुर से वाराणसी के लिए उड़ान सेवा शुरू होने से गोरखपुर से जुड़े गंतव्य स्थानों की संख्या 8 और कुल विमानों की संख्या 12 हो गई। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह भी शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 सालों में एयर कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है। यूपी में वर्तमान में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील है। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। हम वर्तमान में प्रदेश में 75 गंतव्यों तक उत्तर प्रदेश से प्रदेश के और देश के विभिन्न शहरों की यात्रा कर सकते हैं। बाबा विश्वनाथ का धाम आज बाबा गोरखनाथ के धाम से वायु मार्ग से जुड़ रहा है, और साथ ही साथ ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि गोरखपुर से कानपुर, वाराणसी से मुंबई, कानपुर से पटना, कुशीनगर से कोलकाता समेत 6 अन्य फ्लाइट उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से प्रदेश और देश के विभिन्न गंतव्यों को जोड़ने के लिए आज प्रारंभ हो रही हैं। मैं इसके लिए माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, नागर विमानन मंत्रालय को, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं।